दोस्तों नेहा शर्मा का इलीगल सीजन 3 रिलीज हो गया है और दोस्तों इसको आप कहाँ देख सकते हो, इसके अंदर कितने एपिसोड है, क्या उनकी लेंथ है, पूरी इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो एंड तक बने रहना हमारे साथ। और अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना। सो दोस्तों अगर बात करें इसके अंदर टोटल एपिसोड की, तो टोटल एपिसोड आपको 8 देखने पड़ेंगे और हर एपिसोड की लगभग लेंथ है 40 मिनट की। और दोस्तों थर्ड सीजन भी गाइज यहां पर पूरा कहानी नहीं कहता है, इसको भी अधूरा छोड़ा गया है। मेकर्स ने बड़े ही चालाकी के साथ इसको फोर्थ सीजन में भी तब्दील कर दिया है और इसका डेफिनेटली फोर्थ सीजन भी आएगा। फोर्थ सीजन कब आएगा वो तो दूर की बात है, लेकिन क्या थर्ड सीजन देखने लायक है या नहीं, क्या ये एंटरटेनिंग है या नहीं, सबसे बड़ी मुद्दे की बात यही है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं थर्ड सीजन की। इलीगल सीरीज एक कोर्ट रूम ड्रामा सीरीज है गाइज, जिसके अंदर आपको कहानी देखने को मिलती है निहारिका नाम की एक लॉयर की, जो कि यहाँ पर गाइज सबसे बड़ी लॉयर बनना चाहती है और अपनी एक मजबूत पहचान एक एडवोकेट के रूप में बनाना चाहती है। सीजन 3 वहीं से शुरू होता है जहां पर सीजन 2 को ख़त्म किया गया था। तो बात पहले आपको दोनों सीजन देखना पड़ेगा और कम से कम एटलीस्ट सीजन 1 तो आपको देखना ही पड़ेगा ताकि आप कनेक्शन बिठा पाओ कैरेक्टर के साथ। सो दोस्तों इस शो को आप कहाँ देख सकते हो, तो दोस्तों इस शो को आप जियो सिनेमा के ऊपर देख सकते हो। पहले ये शो रूट सिनेमा के ऊपर आता था, लेकिन अब जियो सिनेमा ने इसके राइट्स खरीद लिए हैं तो आपको थोड़े पैसे खर्च करके जियो सिनेमा का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। जी हाँ, पहले वहाँ पर फ्री में आता था, लेकिन अब भाई साहब उन्होंने पेड कर दिया है। सो यार गाइज, अगर इसकी स्टोरी की ओवरऑल अगर तरीके से बात की जाए तो इस शो के अंदर, इस सीजन के अंदर इतना खास दम है नहीं कि यार पब्लिक इस सीजन को पूरा देख पाए। अपनी खुद की बात करूँ तो मैंने इसको ज़बरदस्ती देखा था, मेरा काम है यार सीजन को देखना पूरा और उसको एनालिस करना ताकि मैं आपके सामने एक पॉइंट ऑफ व्यू रख सकूँ। थर्ड सीजन एक एवरेज शो बनके रह गया है। सीजन 1 काफ़ी अच्छा था, लेकिन सेकंड सीजन से इसमें बोरियत आ गई है। सेकंड सीजन भी एवरेज ही था गाइज, और थर्ड सीजन के अंदर मेकर्स ने यार कुछ नया हमारे सामने पेश नहीं किया है। जो सेकंड सीजन के अंदर उन्होंने गलतियां की थी, थर्ड सीजन के अंदर भी वो कैरी ऑन की है। दिक्कत ये भी है कि यार क्रिमिनल जस्टिस ने कोर्टरूम ड्रामा सीरीज को लेके इतने ज़्यादा स्टैंडर्ड हाई कर दिए हैं कि यार उस लेवल पर पहुंचना तो दूर की बात है, वहाँ को यार छूना भी एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। थर्ड सीजन मुझे बहुत ही ज़्यादा सिंपल एंड प्लेन लगा है। बीच बीच में कुछ ट्विस्ट आते हैं, लेकिन वो काफ़ी नहीं होते हैं। इसके अंदर आपको कोई मजा, कोई दम देखने को नहीं मिलेगा। ऊपर से यार जो इसकी मेन फीमेल लीड एक्टर्स है यानी नेहा शर्मा, उनका कैरेक्टर भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा नज़र आता है। कुछ सीन्स में यार नेहा शर्मा को कुछ टॉप लेवल तक जाना चाहिए था, उनकी एक्टिंग स्किल उनको दिखानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने बहुत ही जल्दी जल्दी अपने डायलॉग्स और अपना काम पूरा किया है इस सीरीज के अंदर। वो नया पेनापन उनकी एक्टिंग में नज़र नहीं आता है। उन्होंने कुछ बिना एफर्ट्स किए ही जो अच्छे खासे सीन्स थे, दमदार सीन्स थे, उनको नॉर्मल ही रहने दिया, वहीं तक छोड़ दिया है। वहीं पीयूष मिश्रा और अक्षय ओबेरॉय ने सपोर्टिंग रोल के अंदर अच्छा खासा काम किया है, वो ज़रूर अपनी छाप छोड़ने में कामयाब हुए हैं। शो के अंदर जो भी केस चलता है गाइस, जो उसका ड्रामा जो चलता है वो हम कई बार क्राइम पेट्रोल और आपकी अदालत जैसे शोज में हम देख चुके हैं। इस शो को आप ऐसे ही टाइम पास के लिए भले ही कुछ देख सकते हैं, लेकिन अगर हाँ इस शो से आपको बहुत ज़्यादा उम्मीदें हो और आप इस शो का अगर वेट कर रहे थे तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड करेगा। इस शो को यार आप फैमिली के साथ देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। इसके अंदर आपको कोई ज़्यादा वल्गैरिटी और कोई इतना ज़्यादा न्यूडिटी सीन देखने को नहीं मिलेंगे। सो यार गाइज, अगर रेटिंग की बात करूँ तो इलीगल सीजन 3 को मेरी तरफ से 2.5 आउट ऑफ 5 स्टार, इससे ज़्यादा गाइज नहीं बनता इस शो के लिए। सो दोस्तों ये था इलीगल सीजन 3 का रिव्यू, आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर लगा है तो यार प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और चैनल पे नए हो तो चैनल को यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।